नमस्कार, मैं वंत शर्मा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ध्रुव राठी पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में भी बने हुए हैं। काफी बार तो ध्रुव राठी का नाम ट्विटर पर ट्रेंडिंग नंबर वन पर भी ट्रेंड करा है, जिसके बाद ध्रुव राठी के बारे में नहीं बल्कि RBCJ मीडिया ने एक पोस्ट करा। RBCJ मीडिया लिखता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द मोस्ट एजुकेटेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इज। तो RBCJ ने पूछा कि मोस्ट एजुकेटेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको कौन लगता है। तो आपको मैं इसका जब जवाब दिखाऊं, कमेंट सेक्शन में जब जवाब देखा गया तो सबसे ज्यादा लोगों ने ध्रुव राठी का ही नाम लिया। कई लोगों ने ध्रुव राठी की तस्वीर शेयर करी। आप देख सकते हैं कि ध्रुव राठी के नाम सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि कई लोगों ने जो है नीतीश राजपूत का नाम भी लिया, पर एक तरीके से मैं आपको रेशियो बताता हूँ तो रेशियो लगभग रहा 100 में से लगभग 60% जनों ने ध्रुव राठी का नाम लिया, बाकी 40% लोगों ने अदर के नाम लिए। उसमें भाई नीतीश राजपूत थे, काफी जने थे, मैं सिर्फ एक को निकाला था, उसमें काफी जने थे, बल्कि 60% लोगों ने ध्रुव राठी का नाम लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक के बाद एक ध्रुव राठी को यहाँ पर मेंशन कर रखा है लोगों ने। कई सारे लोगों ने ध्रुव राठी का नाम यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तस्वीरें शेयर कर रखी हैं। साथ दूसरी तरफ ध्रुव राठी का एक मीम भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। मीम ध्रुव राठी ने खुद ही अपने सोशल मीडिया पर शेयर करा। मीम में जो है BJP का एक विज्ञापन होता है, आपने देखा होगा, जिसमें एक लड़की कहती है कि मैं वोट रुकवाती पापा, उसी का ही एक मीम की तरह बोलते हैं ध्रुव राठी, बोलते हैं मोदी जी ने वोट रुकवाती पापा। यानी कि उस कुल मिला के उस लड़की की थोड़ी एक्टिंग करते हुए इस तरीके से ध्रुव राठी बोलते हैं। जिसके बाद ध्रुव राठी का ये वीडियो जो है लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है। जो ध्रुव राठी का बोलने का तरीका लगा वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आया है। हालांकि उस एड से इस लड़की पर काफी ज्यादा मीम बनी है, जब से ध्रुव राठी ने वो वीडियो बनाया, मतलब कि उस तरीके से बोला, एक तरीके से मीम के तौर पर ही बोला। हालांकि आप किसको सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इन्फ्लुएंसर मानते हो, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और थैंक्स फॉर ज्वाइन बटन से आप चैनल की आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं।